ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है इस चैनल के जरिए आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ के रखना। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं एंड दे आर वेरी मच वरीड एंड कंफ्यूज्ड। एंड स्पेशली जो 10 कॉलेजेस के CAQ सस्पेंड हो चुके हैं, सो ना तो नए बच्चों के CAQ आएंगे और ना ही जिनके CAQ इन प्रोसेस थे उनके रिजल्ट आएंगे। सो इसका अफेक्ट फाइलिंग पे है या नहीं है, मतलब जो फाइल्स एम्बेसी में हैं या जो एम्बेसी में लगने वाली हैं, जिन बच्चों के CAQ रिसीव्ड हो चुके हैं, क्या उन केसेस के ऊपर इनका कोई डायरेक्ट अफेक्ट आएगा। सो आज का बातचीत इस टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि तकरीबन 40 से 50,000 फाइल है जो इन कॉलेजेस की, इन एम्बेसीज अंडर प्रोसेस है। सो CAQs जो कि 10 कॉलेजेस, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा कमेंट्स में, जिसमें हर वो नाम वाला कॉलेज है जिसमें आज तक बच्चे क्यूबेक के लिए जाते थे, चाहे वो हम बात करें CDI कॉलेज की, CDI कॉलेज की, माइलस्टोन कॉलेज की, कैनेडा कॉलेज की, ऑल दीज कॉलेजेस, चाहे वो हर्जिंग कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस जो जिनमें बच्चा मेजरली जाता था और बहुत बड़े नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन कॉलेजेस में जाते थे। अब इन सब कॉलेजेस के जो CAQs हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं टिल 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च तक इनके CAQ नहीं आएंगे, ना ही नए CAQs इनमें अप्लाई करने का कोई बेनिफिट है। इनके ऊपर जो इंक्वायरी शुरू हुई है, लेट इट बी, मतलब ये कम से कम भी 2 महीने तो चलेगी, और उसके कारण अगर इंक्वायरी पहले खत्म होती है माइट बी ये सस्पेंशन हट जाए, बट अनटिल दैट टाइम इट वोंट। नाउ इसके बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर कॉल्स करते हैं हमें और उनकी फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं, वो उनके दिमाग के ऊपर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बन गया है कि मेरा रिजल्ट शायद आए ना या लेट हो जाए, क्या मुझे विड्रॉ करना है या क्या करना है। तो मैं इस बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको अभी तक जो अपडेट है, जब तक मैं ये शो बना रहा हूं तब तक का, कल का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। सो अभी तक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो सस्पेंशन है ये CAQ गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये इसका कोई भी इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट या इस पे कोई भी कमेंट कनाडा हाई कमीशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। सो उसके अंदर ये अज्यूम किया जाए या ये माना जाना चाहिए कि जो फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं या जिन बच्चों के CAQ आ चुके थे और वो फाइल लगाने जा रहे हैं उन पर इन चीजों का अफेक्ट नहीं होगा। ये सारे बच्चे नॉर्मल रहेंगे, इनका प्रोसेस नॉर्मल चलता रहेगा, क्योंकि कॉलेजेस के ऊपर कोई बहुत बड़े सीरियस चार्जेस नहीं है कि जिसके कारण कोई कॉलेज बंद हो रहा है या गवर्नमेंट उसको क्लोज करने जा रही है। अगर ऐसा कुछ बहुत सीरियस होता तो डेफिनेटली वो फाइल्स को भी रोक देते, आने वाले बच्चों को भी रोक देते, बट ऐसा कुछ नहीं है और इसका कोई अफेक्ट अभी तक आपकी फाइल्स पे नहीं होगा और 99% इसका अफेक्ट नहीं जाएगा। कोई रेयर ऑफ द केस अगर किसी कॉलेज का कोई इशू हुआ भी तो डेफिनेटली वो ड्यूरिंग द क्वेरी, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बीच में ही वो अपडेट जरूर आएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ भी इतना सीरियस नहीं है कि जो अंडर प्रोसेस फाइल्स हैं या जिन बच्चों ने अप्लाई करना है या जो बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको रोका जाए। सो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सो आपको किसी को भी बार बार कॉल्स करने की या दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी CDI कॉलेज, कैनेडा कॉलेज या किसी भी माइलस्टोन कॉलेज, हर्जिंग कॉलेज, सीजैप कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस इस लिस्ट में, अगर किसी में भी आपकी फाइल अंडर प्रोसेस है एम्बेसी में, सो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 99% ये सिनारियो क्लियर होना है और 99% आपके जो केसेस चल रहे हैं उसमें किसी तरह का इशू बीच में आना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत कोई बड़ी इरेगुलरिटीज कॉलेजेस में नहीं हुई हैं, जस्ट क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। एंड क्यूबेक गवर्नमेंट वांट टू फाइंड आउट कि कॉलेजेस क्यूबेक में ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो इतना सारा बच्चा क्यूबेक के लिए प्रेफरेंस कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है। कहीं कोई कॉलेजेस मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ कॉलेजेस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं कर रहे। सो इन चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आनी मुश्किल है, बिकॉज कॉलेजेस जो भी काम कर रहे थे दैट वाज अंडर द नॉर्म्स ऑफ क्यूबेक गवर्नमेंट। सो प्रॉब्ली इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो आपकी जो फाइल्स हैं दे आर सेफ, यू डोंट नीड टू वरी। आगे भी जो अपडेट्स होते रहेंगे आपको टाइम से इस चैनल के जरिए पहुंचाते रहेंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे तुम्हारे विदेश जाने के सुपनों को देगा हकीकत की उड़ान।